मंगल का दिन शहर के लोगों के लिए अमंगल भरा साबित हुआ। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पुपरी शहर। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि पुपरी शहर के नागेश्वर स्थान चौक पर मंगलवार की सुबह टहलने के लिए निकले एक वृद्ध व्यवसायी के गले से चैन छीनने के दौरान बेखौफ अपराधियों ने न सिर्फ व्यवसायी बल्कि उसे बचाने आए एक दुकानदार को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं अंधाधुंध फायरिंग कर शहर में दहशत भी फैला दी। सरेआम घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार दो अपराधी भाग निकले। अपराधियों की गोली से घायल वृद्ध व्यक्ति बगल के ही पानी टंकी मोहल्ला निवासी 85 वर्षीय लक्ष्मी शाह व दूसरा मिठाई दुकानदार सुरेश शाह का 35 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार बताया गया। दोनों को पीएचसी से रेफर कर सीतामढ़ी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर डीएसपी विनोद कुमार घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच व अपराधियों की पहचान की कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक पानी टंकी मोहल्ला निवासी लक्ष्मी शाह सुबह करीब 7 बजे घर से कुछ दूरी नागेश्वर स्थान चौक के समीप मुख्य सड़क पर टहलने के लिए निकले थे। इसी क्रम में एक बाइक सवार दो लोग उनके गले से चैन छीनने लगे। इसी क्रम में वो सड़क पर गिर पड़े। इसको देख बगल स्थित मिठाई दुकानदार दीपक उन्हें बचाने लगा। तभी बाइक के पीछे बैठा अपराधी ने दोनों हाथों में रखे पिस्टल से गोली चला दी। इसके बाद लगातार फायरिंग करते हुए स्टेशन की तरफ भाग निकला। दो गोली लक्ष्मी शाह के पेट में लगी व एक गोली दीपक के जांघ में लगी है। लोगों का कहना था कि दोनों अपराधी टीवीएस अपाचे बाइक पे सवार थे। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल बन गया है। लोग काफी डरे डरे से महसूस कर रहे हैं। वैसे पुलिस तहकीकात में लगी हुई है। हम आगे भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर हमारे न्यूज को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। अभी जो घटना हुई है क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस घटना को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोग जो है सो इससे पहले भी घटना दिया गया है। एक आवापुर के अंदर में जो है एक व्यवसायी को आते हुए गोली मार दिया गया, घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गया और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठे रहा है। अभी तक अपराधी का कोई पता नहीं है। ये लगा के दूसरा पर अपराध हुआ है गोली का। भोला बाबा के पास नाका होता था तो अपराध नहीं होता था। जब से ही नाका हटा है तब से अपराध बढ़ गया है। इसलिए हमारा प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द भोला बाबा के मंदिर के पास एक नाका का निर्माण किया जाए, जिस पर सुबह में लोग जाते हैं टहलने के लिए तो उसका कम से कम सुरक्षा तो होगा। नगर 2 वर्षों से कह रहे सीसीटीवी कैमरा नगर में लगना चाहिए। हमने कार्यपालक पदाधिकारी जी को लेटर भी दिया था और सभापति महोदय जी वहाँ उपस्थित है, कहा आश्वासन भी मिला था कि कैमरा लगेगा, बहुत जल्द लगेगा, लेकिन अब तक नहीं लगा। 10-15 दिन पहले भी हम लाइव आके कहे थे कि हमारा पुपरी बनियों का वर्ग है, व्यापारियों का वर्ग है, क्या यह सुरक्षित है? 4 पेंथर पुलिस हमेशा घूमना चाहिए, गश्ती दल घूमना चाहिए, क्या यह घूम पाता है? नहीं घूमता। नगर में सीसीटीवी कैमरा की अत्यंत आवश्यकता और यहाँ पर नाका लगना चाहिए। जितना मोटरसाइकिल चोरी होता है, चोर स्नेचिंग जन स्नेचिंग सब होता है, अभी किसी भी केस का उद्भेदन नहीं किया गया। हमारा भी गाड़ी चोरी कर लिया गया था, अभी भी केस का उद्भेदन नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया? चोर पकड़े में आज सुबह सुबह नागेश्वर स्थान और आपका मोहल्ला भी घर भी पास में है, इतनी बड़ी घटना हुई है। बेखौफ अपराधियों ने दो लोगों को गोली मारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए वो सुबह सुबह हर दिन जो है कि टहलने जाते हैं और टहल के वहाँ रहते तो नागेश्वर स्थान मंदिर से जैसे ही घूमे हैं उधर से ब्लैक कलर की अपाची जिस पर दो लड़का सवार था, व्हाइट कलर का शर्ट और रेड कलर का टोपी पहना हुआ था, उन्होंने क्या किया कि पीछे से उनके गर्दन पे में जो चैन था उनको खींचने का कोशिश किया, जिससे जो है कि लक्ष्मी शाह जी जो है कि धड़फड़ा गए। उधर से एक दुकानदार है, मिठाई दुकानदार सुरेश जी का है, उनका लड़का दीपक वहीं पे था, जो बचाने के क्रम में गए तो लड़का के जांघ में गोली मार दिया और इनके पेट में 2 गोली मार दिया गया। और जब लोग हल्ला किए तो वो हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ से भाग गया। पुपरी असुरक्षित है,
उपरी में शायद ये इतनी बड़ी पहली बड़ी घटना। नहीं 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 नहीं, आपको बता दें कि डेढ़ साल पहले कुलेश्वर बाबू का लड़का रिंटू बाजार समिति के पास टहलने जा रहे थे, उसमें भी चैन स्मैकिंग का काम हुआ था, उसको भी जब चैन छीना उसके भी जांग में गोली मार दिया गया था। ऊपरी दम असुरक्षित हो गया, प्रशासन कोई अति नहीं कर रहा है। हम वर्षों से, मैं पहले यहाँ का प्रतिनिधि रह चुका हूँ, मैं वर्षों से मांग करते आ रहा हूँ कि नागेश्वरनाथ मंदिर के पास नाका होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि वर्षों से नाका था और लमसम 2500 वर्ष नाका रहा। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम वहाँ पर नाका दे दीजिए, और ये अभी तक कोई प्रशासन के कान में क्यों नहीं रेंग रहा है और यहाँ नाका नहीं मिल रहा। यहाँ मंदिर जो है कि गजेरियों का अड्डा हो गया है, चाय दुकानदार गजेरियों का अड्डा हो गया। आप इधर से खा सकते हैं कि मछली हाट बाजार है, आए दिन यहाँ पर हर दो दिन बीच करके यहाँ पर बाइक चोरी होता है। प्रशासन एकदम सोया हुआ है, यहाँ एकदम नाका बनना चाहिए एकदम, नहीं तो यहाँ पर घटना ऐसे ही होती रहेगी। सुबह आज गोलीबारी की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली है आपको? तो जानकारी मिली है कि जानकारी मिली है कि नागेश्वर स्थान के पास एक बाइक पर दो लोग सवार होके अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकले जी स्टेशन रोड की तरफ। ठीक है, उसमें एक दीपक कुमार नाम जो मिठाई के दुकानदार है उनको गोली लगी है, एक दिलीप जी है स्वर्णकार उनके बाबूजी को भी गोली लगी है जी। और गोली मारते हुए लोग माने आग को लहराते हुए निकल गए। क्या कारण कुछ सामने आ रहा है क्या? ऐसा अभी तक तो कुछ कारण नहीं पता चला, लेकिन कुछ लोगों का कहना हुआ है कि चैन जो छीनने का क्रम चल रहा है जी, उसी छीनने के क्रम में या लूटपाट के क्रम में ये लोग गोली चलाए। हमारे बाबूजी सुबह में मॉर्निंग वॉक गए थे 7 बजे, और जब उधर से आ रहे थे तो अपाची से दो लड़का थे, चैन छीना तो हमारे बाबूजी उसको पकड़े, उधर फरा के गिरा, गिरने के बाद उनको दो गोली मारा, और जो बचाने आया उसको भी एक गोली मारा, और लगभग 10 राउंड फायरिंग करते हुए सुबह 7 बजे फायरिंग करते हुए भागा। यही सुरक्षा हम लोग को जो घर से निकले 7 बजे और जो है हम लोग को गोली मारा जाए, यही मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, और यहाँ से बस भोला से रेस्टियो पिस्ट तक जाते हैं, जबकि ये घटना नागेश्वर स्थान पुकी बाजार का है। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैनले, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मन पसंद का मोबाइल ले जाएं, मन पसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।